बिग बॉस सीजन 16 में जब भी कोई कैप्टन बनता है तो घर की सत्ता जो है वो बदल जाती है, घर की इक्वेशंस बदल जाती है। और इस वक्त मैं आपको बताने आ गई हूँ, जी हाँ, कि घर की नई कैप्टन बन चुकी है सुम्बुल तौकीर खान। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। अब तक आप देख ही चुके होंगे टाइटल, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि सुम्बुल घर की नई कैप्टन बन गई है। ये कैसे हो पाया है, ये कैसे हुआ है, ये आने वाला वक्त आपको, यानी कि आज के एपिसोड में आपको दिखेगा। लेकिन चलिए इस वक्त बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी अजीब चीज़ ये हुई कि कल हमें शेखर सुमन नज़र नहीं आए, जो कि थोड़ा वियर्ड है क्योंकि हर संडे तो हम देखते हैं कि कैसे आखिर शेखर जी आते हैं और फिर वो पूरा गेम हमें समझाते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि सोशल मीडिया पर ये बड़ी अपडेट आ चुकी है, कैप्टनसी टास्क के दौरान सुम्बुल तौकीर खान बनी है नई कैप्टन। मुकाबला था उन नॉन फेवरेट्स के बीच, मुकाबला था उन लोगों के बीच में जब तक शायद कैप्टन नहीं बने हैं, क्योंकि प्रोमो वायरल हो रहा है उसमें सौंदर्य अर्चना वहाँ पर नहीं है, सौंदर्य, प्रियंका, सुम्बुल, शालीन और आई थिंक टीना, ये पांच लोग वहाँ पर बैठे हैं और इनमें से ही घर का कोई अगला कैप्टन बनेगा। अब अरे हाँ, माई बैड, लास्ट जो टास्क हुआ था अगर आपको याद हो, उस टास्क में जो जेलर लोग थे उनके बीच में से ही अब कोई कैप्टन बन सकता है, राइट? तो अब उनमें से कैप्टन अगली जो बनी है वो सुम्बुल बनी है, बाकी कोई नहीं बना। क्यों सुम्बुल बनी है? क्योंकि बाकी सारे घर वालों में से, क्योंकि जिनको ज़्यादातर लोगों में से कैप्टन बनना है वो सारे लोग तो इधर बैठे हुए हैं, यानी कि प्रियंका को बनना चाहिए था लेकिन वो वहीं बैठी हैं। अब सपोर्ट करने वाली जनता तो इधर की है ना, तो ये लोग मिलकर सुम्बुल को ही सपोर्ट करेंगे, बाकी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से घर के अंदर सत्ता बदल हो चुकी है, एक बार फिर से घर के अंदर सत्ता पलट गई है और वापस से ये सारे लोग इस तरफ आ चुके हैं, वापस से सत्ता जो है वो इस तरफ आ चुकी है। सुम्बुल के कैप्टन बनते ही वापस से बाजी इधर भारी हो गई है और यहाँ से कैप्टनसी चली गई है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेकर्स बार बार कैप्टनसी जो है वो इसी तरफ डालते चले जा रहे हैं, मेकर्स बार बार कैप्टनसी इधर ही थ्रो करते चले जा रहे हैं। और लास्ट टास्क को देखकर ऐसा लगा था कि वन साइडेड टास्क है, अभी भी देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इस तरफ जितने भी लोग हैं सपोर्ट करने वाले तो सारे एक दूसरे में ही बैठे हुए हैं, तो कैसे बाजी पलटेगी, कैसे सारी सत्ता पलटेगी? अंकित और अर्चना दो लोग मिलकर प्रियंका को वोट नहीं कर सकते, शालीन, टीना, सौंदर्य सब तो वहाँ बैठे हैं। वैसे ही अब्दू, स्टैन, निमृत, साजिद, इन सब ने मिलकर वोट किया अगर सुम्बुल को, तो भी मेजोरिटी से, चार लोगों के वोट से सुम्बुल जीत गई हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो दूसरी पार्टी है वो इस चीज़ पर कितना राड़ा करती है, और सुम्बुल को कैप्टन बनाने पर आई एम श्योर अर्चना ज़रूर भड़कने वाली हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा।